जहाँ तक भारत सरकार के द्वारा जो अधिग्रहित अविवादित ज़मीन को वापस लौटाने की बात है, जो प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है, तो अगली तारीख निर्धारित तारीख पर इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और एप्लीकेशन उन्हीं के सामने प्रस्तुत की गई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक अनुसार क्या निर्णय देगा, तो मैं समझता हूँ कि उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, सरकार बनने से पहले बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए कि यहाँ पर लाइन ऑर्डर ठीक कर दिया जाएगा, गुंडे जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, और आज हो रहा है कि सरेआम लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये तो योगी जी के राज में यहाँ की व्यवस्था है, और वो क्या कर देंगे, क्या दावा कर रहे हैं, जगह जगह जाके अन्य प्रदेशों में भी दावा करके आते हैं, लेकिन क्या कर देंगे ये तो मैं सुनता हूँ कि समय बताएगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, योगी जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक व्यवस्था और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उतना ही बयान देना चाहिए जो संविधान की मर्यादा के अंतर्गत है।